बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस के आंकड़े ही फिल्म और कलाकार की सफलता का मापदंड माने जाते हैं, जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर व्यूज मायने रखते हैं। मगर इन दोनों के आंकड़ों को लेकर जबरदस्त घालमेल होता रहता है। हम इस पर बहस नहीं करने जा रहे हैं, पर बॉक्स ऑफिस के दबाव पर काजोल ने क्या कहा वह सुन लीजिए। मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है। आई एम नॉट नर्वस, आई हैव नेवर बीन नर्वस अबाउट एनी ऑफ माय फिल्म्स दैट हैव रिलीज, जितनी भी पिक्चर रिलीज होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने हमेशा आई गिवन 100% मैंने अपना काम पूरे दिल लगा के मैंने किया है, पूरी शिद्दत से मैंने अपना काम किया है। और अगर मैंने अपना काम पूरी शिद्दत से किया है तो देन आई हैव 100% फेथ इन माई सेल्फ, आई हैव दैट मच फेथ इन माई सेल्फ कि मैंने अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ मैंने कर लिया। अभी हाँ, देयर विल बी पर्सपेक्टिव, सबका नजरिया अलग है, सबकी ओपिनियन अलग है, और कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी वो एक अलग ही सिचुएशन होती है। लेकिन आई थिंक व्हाट शी सेड वाज एब्सोल्युटली राइट, दैट वी वर्क फॉर ऑडियंसेस टू लव अस, एंड दैट्स व्हाट वी वर्क फॉर। वी वांट ऑडियंसेस टू लव अस एंड टू लव आवर कैरेक्टर्स एंड आवर फिल्म्स। सो यस, आई विल नॉट से दैट आई हैव बीन नर्वस, बट यस, आई डेफिनेटली अप्रिशिएट the love and the sheer energy that you receive back. So thank you so much again, you guys, for being here, also for yes, for coming.